हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार, आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को हार्ट एंड स्टेंट पढ़ा रहा था, उसी में बहुत सारा क्वेश्चन बताया था और आज मैं उसी के आगे क्वेश्चन बताऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन बताया है आप लोग को समझ में आई होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए मेरा आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है 25 तक बता दिया था मैंने, 26 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, 26 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है, ठीक है। 100 मीटर नदी में, 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है, इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। तो पहले आप बना दीजिए, ये नदी बना दीजिए, ठीक। कितना, 100 मीटर लंबी नदी और इसमें एक नदी का टापू हो गया, इसमें एक वृक्ष है, इस पर एक ऊंचा वृक्ष है, ये क्या हो गया, वृक्ष हो गया, क्या हो गया, वृक्ष। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q है, मतलब कि एक यहाँ है ये नदी है, तो यहाँ है P और Q, दो बिंदु है, ठीक है, बिंदु है, एक सिद्ध में है, एक सिद्ध में है। P और Q से बीच की चोटी का ओरियन कोण 30 और 45 डिग्री बनता है, तो बीच की ऊंचाई ये निकालना है, मतलब ये बोल रहा है ओरियन कोण एक यहाँ है और एक ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये निकालना है वृक्ष की ऊंचाई, नाम दे दीजिए ए पी क्यू, ये क्या है बी, ए बी पी क्यू, ठीक है। तो मेरा ए बी निकालना है जो वृक्ष की ऊंचाई है, और बोल दिया कौन कितना डिग्री बना रहा है, 31 बना रहा है, कितना बना रहा है, 45 बना रहा है, 31 बना रहा है, 45 बना रहा है। तो देखिए चलेंगे, पहले त्रिभुज दो बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यानी त्रिभुज ए ए बी पी बन रहा है, एक ए बी क्यू बन रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले ए बी पी में चलिएगा, और निकालना है ए बी, ये निकालना है ए बी, यानी वृक्ष की ऊंचाई निकाले, ठीक है, ये निकालना है त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है, ए बी पी में थीटा के समय लंब बटा था 30 डिग्री, 30 डिग्री लंब की जाएगा ए बी और हार की जाएगा बी पी, या बी पी या पी बी, 30 का मान 1/3, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान कुछ नहीं है, पी बी का मान भी कुछ नहीं दिया हुआ है, गुणा कर देंगे तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, रूट थ्री ए बी समीकरण एक, ठीक है। तो उसके बाद में फिर चलेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में, पुनः प्रोसेस है, पुनः प्रोसेस है, ये था प्रोसेस है। तो ए बी पी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में, तो इस बार कितना लेना है, 10/45 लेना है, 10/45 ले लीजिए। तो फिर लंब बटा था, जैसा मतलब ए बी का काम करेगा, ए बी लंब हो जाएगा, आधार मेरा बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 10/45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ए बी का मान नहीं दिया है तो ए बी की जगह ए बी लिख सकते हैं, बी क्यू का मान नहीं दिया है तो बी क्यू लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, बी क्यू बराबर ए बी, समीकरण 2, ठीक है, बी क्यू बराबर ए बी, समीकरण 2। बस इसको फिर निकालना था मेरा, क्या ये निकालना है ए बी, तो ए बी निकालना है, तो देखिए ए इसकी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई दे दिया था पूरा, पी से लेके क्यू तक दिया हुआ है, देखेंगे पी क्यू बराबर, तो पी क्यू बराबर नदी की चौड़ाई है, पी क्यू में क्या आ रहा है, पी से लेके क्यू तक में बी पी और बी क्यू दोनों आ रहे हैं, पी बी प्लस बी क्यू, ठीक है। अब बताइएगा कि पी क्यू का मान, पी से लेके क्यू तक पूरा 100 मीटर चौड़ाई, 100 दे दिए, पी वी, पी वी का मान निकाले थे रूट थ्री ए बी, रूट थ्री ए बी प्लस बी क्यू, तो देखिए बी क्यू को लिख सकते हैं, बी क्यू बराबर ए बी का, ए बी बराबर बी क्यू का, यानी बी क्यू की जगह ए बी लिख सकते हैं,
तो नहीं ए बी तो निकाला था हमको, तो क्या गया सौ बराबर रूट ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा रूट थ्री प्लस वन, तो ए बी का मान लाएंगे तो क्या हो जाएगा सौ बटा नीचे तो रूट थ्री प्लस वन, ए बी का मान सौ बटा रूट थ्री का मान 1.732 प्लस वन ठीक है, ए बी का मान सौ प्लस जोड़ेंगे तो 2.732 यानी कि इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सौ इसको निकाल देंगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना 1000 बटा 2732 इसको भागा दीजिए, भागा देंगे वो क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा, तो आप भागा दे दीजिए ठीक है, भागा दीजिएगा तो सौ सौ कितना हो जाएगा सौ सौ एक अथी सौ एक हज़ार 1000 कितना हो जाएगा ये याद रख लीजिएगा थोड़ा, एक पर कितना दो पाँच शून्य ठीक है बट्टा में 2732 भागा दे दीजिए, तो भागा देने पर मेरा आएगा भागा दीजिएगा ना तो इसका 26 नंबर था ठीक है, तो भागा देने तो भागा देंगे ना तो आ जाएगा मेरा 36.6 मीटर ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिए उसके बाद मेरा क्वेश्चन है अगला 27 क्वेश्चन 27 में क्या है कि एक क्षैतिज तल पर लंबवत क्षैतिज तल तो इस तरह से होता है ठीक, एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची मीनार है, यानी मान लेते हैं ये क्या है मीनार मीनार है और कितना 50 मीटर ऊंचा मीनार है ठीक है, और एक वृक्ष है तो मान लेते हैं यहाँ एक वृक्ष है ठीक है, मीनार के पाद से अब मीनार देखिए तो मीनार तो यहाँ है तो मीनार के पाद यहाँ बनेगा नीचे पाद पैन और ऊपर शीश, तो मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का कोण, तो मीनार के पाद यहाँ वृक्ष की चोटी यहाँ, ये कोण मीनार बना रहा है कितना डिग्री का तो 30 डिग्री का बना रहा है ठीक है, तो ये क्या दे देंगे 30 डिग्री ठीक है, मीनार के शीर्ष से अब देखिए मीनार के शीर्ष वहाँ ऊपर है वृक्ष का पाद, तो इस बार बोलो मीनार के शीर्ष यहाँ वृक्ष का पाद नीचे ये बोल दिया है, तो इसका अवलंबन को 60 डिग्री है, अच्छा ये बोला है कि अवलंबन को कितना डिग्री 60 डिग्री है ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई ये निकालना है देख लीजिए, ये निकालना ए बी सी डी ठीक है, नाम दे दिए निकालना क्या मेरा सी डी निकालना है वृक्ष की ऊंचाई, तो पहले चलेंगे त्रिभुज बी डी सी में फिर चलेंगे ए बी डी में, चलिए प्रश्न से निकालना है सी डी यानी वृक्ष की ऊंचाई निकालेंगे निकालना ठीक है बराबर फाट, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी डी में त्रिभुज बी डी सी में, तो बी डी सी में चलेंगे 33 डिग्री टेन कितना डिग्री 30 तो टेन थीटा थीटा के समान लंब सी डी तो लंब बटा आधार बी डी, तो 33 का मान 1/√3 सी डी का मान कुछ नहीं है तो सी डी दे दीजिए, बी डी का मान भी कुछ नहीं है गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा बी डी बराबर √3 सी डी समीकरण एक समझे, उसके बाद फिर आ जाएगा पुनः प्रश्न से अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में पूरा वाला त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो ए बी डी में चलिए तो मेरा लंब का आधार करेंगे तो ए बी हो जाएगा लंब मेरा ठीक है, ए बी हो जाएगा लंब आधार क्या हो जाएगा बी डी, तो टेन कितना डिग्री चलेंगे इस पर टेन हो जाएगा 60 डिग्री ए बी आधार बी डी टेन 60 का मान √3 टेन 60 का मान √3 ए बी का मान नहीं कुछ है ना ए बी का मान है 50 दे दिया बी डी
तो बी डी को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से रूट थ्री सी डी कर सकते हैं, रूट थ्री सी डी, ठीक है, रूट थ्री सी डी। अब क्या करेंगे, नीचे क्वेश्चन पे एक तो खड़ा सुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा रूट थ्री तीन सी डी बराबर क्या है पचास, सी डी बराबर पचास बटा तीन, सी डी का ही मान निकालना था तो सी डी बराबर पूर्णांक कैसे आ जाएगा, सोलह पूर्णांक दो बटा तीन, सोलह तीन बता रहे तो पचास कितना, ये मीटर दिया था मीटर, जो ये बीच की ऊंचाई है ना, जो सोलह पूर्णांक दो दो बटा तीन मीटर क्या है ऊंचा है, समझ रहे हैं, देख लीजिए इसको, उसके बाद मेरा है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अट्ठाईस में दो सवाल है, अट्ठाईस का पहला देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया है, कि एक एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी मीनार है, जिस तरह से मैं सूची दस देखिए ये बनाते हैं क्या 50 मीटर ऊंची क्या है मीनार है, एक ही क्षैतिज तल ये बना दिए, ठीक है, और ये क्या बोला दीवार बोल दिया, इसी पर क्या है दीवार है, ठीक है, तो हाँ मीनार की चोटी से, तो मीनार की चोटी ऊपर होगा दीवार के पार, तो देखिए मीनार की चोटी ऊपर दीवार के पार नीचे, इसका बोल दिया पहले उनियन कोण, लिख दीजिए यहाँ पर कितना 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री, और शीर्ष का मतलब ये मीनार है, मीनार की चोटी से पार और शीर्ष का दे दिया, पार 45 और शीर्ष ये यही दिया, ठीक ना, कितना डिग्री 45 डिग्री, तो पहले इसका समांतर यहाँ पे ये समांतर में जाएगा, ये 45 से कितना रहेगा 30, तो दीवार की ऊंचाई बस कुछ नहीं करना, ये दीवार की ऊंचाई निकाल दीजिए बना, ये ए बी सी डी और ई, ये मैं निकालना है इसी, क्या निकालना है इसी निकालना है, और ये जो मीनार है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, मीनार ए भी पूरा मीनार है, ठीक है, ये ए बी मीनार की ऊंचाई कितना 50 मीटर, और निकालना दीवार की ऊंचाई इसी, दीवार की ऊंचाई यानी इसी निकाले, ये निकाला मैंने इसी निकालना है, तो पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में 3:45, फिर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में 3:30, ठीक है, चलते प्रश्न से, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में 3:45 डिग्री, तो लंब का काम पूरा ए बी और बी सी, 3:45 का मान ए बी का मान पूरा दिया हुआ था 50 मीटर, बी सी पूरा कर देंगे तो बी सी मान क्या हो जाएगा 50 मीटर में जाएगा, सही कारण एक होगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में पूरा प्रश्न से, ए डी ई में त्रिभुज ए डी ई में, तो ए डी में कितना है डिग्री, लंब बटा था तो 30 डिग्री, ए कितना डिग्री चलेंगे 30 डिग्री, तो लंब का काम मेरा ए डी, आधार का काम मेरा डी, और ये बराबर है इसका देख लेंगे, ठीक है, बी सी मेरा 50 है, डी बी मेरा 50 ही रहेगा, 10:30 का मान क्या होता है यहाँ आइए, 10:30 का मान 1/√3 ए डी, तो ए डी का मान नहीं है कुछ, ए डी का मान ए डी भर देते हैं, बी डी तो सॉरी डी ना डी, तो डी का मान मेरा क्या आएगा, आप देखिए डी का मान बराबर है किसका बी सी के, तो बी सी का मान क्या हो गया 50, तो डी का मान क्या हो जाएगा 50, ये मेरा क्या 50 हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे क्रॉस गुणा, तो रूट थ्री ए डी बराबर 50, तो ए डी बराबर 50 होता है रूट थ्री समीकरण दो, तो ए डी का मान मेरा आ गया, ए डी का मान क्या आ गया 50 रूट थ्री, क्या लिखा तो लिख सकते 50 बटा रूट थ्री, अब हमको निकालना क्या है ई सी, तो देखिए ई सी समांतर है किसका
ए बी बी डी का, ठीक है, किसका समांतर है? यहाँ पर निकाला था दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई इसी है मेरा, तो इसी समांतर किसका है? बी डी, तो यहाँ लिख देंगे इसी बराबर बी डी, ये ठीक है। यानी अगर मेरा बी डी का मान निकल जाएगा तो इसी का मान भी निकल जाएगा, तो बी डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी डी निकालना है, तो बी डी निकालने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, ये पूरा मीनार की ऊंचाई में से ये ए डी घटा देंगे तो निकल जाएगा बी डी, बी डी निकल जाएगा तो मेरा इसी निकल गया, कहा है कि बी डी बराबर है इसी का, तो निकाल लेते हैं बी डी, निकाल देंगे बी डी जो क्या है, दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई, क्योंकि बता ना कि इसी बराबर बी डी दोनों बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा पूरा ए बी माइनस ए डी, ए बी पूरा था 50, ए डी निकालेंगे 50 बटा रूट थ्री, इसको हल कर आ जाएगा इसे रूट थ्री, ये 50 रूट थ्री, ये रूट थ्री का 50 50 कॉमन रूट थ्री माइनस वन बटा रूट थ्री, 50 गुना 1.732 माइनस वन बटा रूट थ्री 50, और इसको लिखेंगे 0.732 बटा ये हो जाएगा 1.732, ये सही कट गया, ठीक है, गुना करके लाइए, गुना करके आएगा वही क्या मिला जाएगा आंसर आ जाएगा 3036 गुना करिएगा 36 और आ जाएगा 600, ठीक है 36600 बटा 17 32, भागा दे दीजिए, भागा दे दिया मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा 21.12 मीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 21.12 मीटर, मेरा क्या हो जाएगा आंसर, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, नहीं जा रहा तैयार लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बराबर 21.12 मीटर। इसको देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह से मेरा 28 का दूसरा भी है, देखिए एकदम हो वही है, थोड़ा क्वेश्चन किया है, एक मीनार की चोटी से 1.7 मीटर ऊंची भवन के शिखर और आधार का वर्णन करें, देखिए एक पहले मीनार बना दीजिए, ये मीनार क्या है, मीनार है चोटी ऊपर होगा नीचे होगा, ठीक है, और बोल दिया क्या 7 मीटर ऊंचे एक भवन, तो भवन यहाँ बना दीजिए जो 7 मीटर ऊंचे हैं भवन, ठीक है, अब बोला क्या कि भवन के शिखर और आधार का, तो शिखर यहाँ पे यानी कि यहाँ ये बना रहा है, ठीक है, और जमीन तो नीचे रहेगा ये समांतर थे भी समांतर हो जाएगा, तो शिखर यहाँ पे और आधार मतलब कि मीनार की चोटी से ही बोल रहा है इसका भवन का शीर्ष और आधार मतलब ये दोनों एंगल यहाँ का अवनमन कोण बना रहा है 45 60, यानी कि ये बना रहा है 45 डिग्री और ये बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई निकाल रहा है, कोई बात नहीं, देखिए ए बी सी डी ई, अब मीनार की ऊंचाई मेरा पूरा है, ठीक है, ये 7 थी, इसका समांतर ये भी 7 हो जाएगा मीटर, तो निकालना क्या है मेरा पूरा निकालना मीनार की ऊंचाई ए से लेके बी तक, तो लिख देंगे यहाँ पे कि ए बी मीनार की ऊंचाई निकाले और लिख देंगे यहाँ इसी बराबर बी डी भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर, ठीक है, तो चलेंगे इसमें दो त्रिभुज बन गया, तो द्विभुज क्या है एक ए बी सी और एक ए डी ई, तो उसी तरह से चल जाइए, ठीक है, तो पहले चल जाइए ए डी में चलेंगे तो ए डी चल जाइए ए ई डी चलिए त्रिभुज ए डी ई में छोटा है छोटा ये छोटा लगे ए डी में, तो टेन कितना लिखे टेन थीटा के समय लंब बटा था तो 45, तो 45 लिख दिए, लंब का काम ए डी आधार का काम डी, 1 बराबर ए डी बटा डी, तो डी ई गुणा कर देंगे क्रॉस गुणा इसे देख डी बराबर ए डी समीकरण एक, डी बराबर ए डी समीकरण क्या एक, यानी कि ये बराबर हो गया इसका, अगर ये 5 सेमी आता तो ये भी 5 सेमी आता, अब चलेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, तो त्रिभुज ए बी सी में पूरा बराबर
त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना 60 डिग्री। टेन इसलिए लेते हैं ना कि ठीक है लंब बटा था इसमें ज़्यादा टेन ही से फुटा था समझे। तो लंब का काम ए बी मेरा पूरा, आधार का काम बी सी, टेन 60 का √3। अब ए बी देखिए तो ए बी का मान ए डी प्लस बी डी से लेके बी तक में ए डी और बी डी दोनों वाला तो जोड़ दीजिए ए डी प्लस बी डी बटा बी सी तो √3। ए डी का मान कुछ दिया हुआ था नहीं दिया था, अगर ए डी का मान ए डी ले देंगे ठीक है, और बी सी तो बी सी का मान क्या है सॉरी बी सी दिया था हाँ बी डी सॉरी ए डी तो ए डी बी डी का मान 7 है और बी सी और बताया था ना कि बी सी बराबर डी का, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि बी सी बराबर डी तो इससे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, तो बी सी है यहाँ डी है क्या है तो बी सी की जगह बी सी भी इस तरह से लिख दीजिए तो ए डी बोल दिया है। हाँ देखिए डी बराबर ए डी, देखिए डी बराबर दे दिया है ए डी, डी बराबर ए डी तो डी बराबर ए डी दिया है और डी बराबर है बी सी का तो बी सी की जगह भी तो क्या दे देंगे ए बी क्या दे देंगे ए डी दे देंगे, यानी कि इसका बराबर डी बराबर ए डी तो बराबर क्या हो जाएगा बी सी है, तीनों ये बराबर है समझ रहे हैं यहाँ लिख देते हैं क्योंकि डी बराबर ए डी बराबर क्या बी सी इसके जगह इस तरह ये लिख सकते हैं बनाने के अनुसार ठीक है। क्रॉस गुणा कर दीजिए क्या कर देंगे क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्रॉस गुणा करिएगा तो मेरा आ जाएगा देखिए क्या आ जाएगा √3 AD बराबर ए डी और प्लस 7 ए डी को इधर घटा दीजिए प्लस तो माइनस ए डी बराबर 7 ए डी कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बराबर 7 तो ए डी बराबर 7 बटा √3 - 1 ए डी बराबर 7 इसका मान 1.72 - 1 ए डी बराबर 7 और इसको घटाएंगे तो 0.732 ये तो देख दो पर क्या है 316 ए डी बराबर 7,732 इसको भाग दे दीजिए समझे। तो इसको अगर भाग दे देंगे तो मेरा आ जाएगा इसका मान 9.562 ठीक है मीटर। मेरा ये आ गया क्या ए डी का मान आ गया, ए डी का मान आ गया क्या 9.562 मीटर। निकालना था क्या मैडम निकालना था पूरा ए बी मीनार की ऊंचाई लिख देंगे ए बी मीनार की ऊंचाई निकालना था कि ऊंचाई तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से याद है तो इसमें ए डी बी डी दोनों आ गया लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी बस ए डी का मान क्या निकाले हैं 9.562 प्लस बी डी बी डी 7 जोड़ दीजिए 9.762 मीटर ये मेरा आंसर हो जाएगा समझ रहे हैं। इसको देख लीजिए और देखिए इसके बाद हाँ जो इसमें फिगर जो बताए थे ना 28 का पहला दूसरा तो बस फिगर उसी तरह से बनेगा बनाए थे ना इस तरह से एक यहाँ ठीक है एक यहाँ तो अब रावण को बना रहा था तो रावण को लिख देंगे कितना कितना था ठीक ना दोनों में 28 का दूसरा था इसमें 45 था एक हुआ था 60 ये रावण को लिखना होगा और 28 का पहला में भी उसी तरह से बना के रावण को लिख देंगे ठीक है वो छूट गया था रावण को बना लीजिए बस कल ऊपर ये पार पार कर एक दूसरा में छूट गया था बस पहला में बता दीजिए। उसके बाद 29 नंबर में देखिए क्या है 19वें सवाल मेरा कुल दवादर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर संपूर्ण वादी है। कोई उदवादर मीनार है 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे पर चोटी पर संपूर्ण वादी है ठीक है तो 10 मीटर पहले ऊंचे खंभे बना दीजिए। कोई उदवादर मीनार ठीक है 10 मीटर ऊंचे खंभे की चोटी पर संपूर्ण वादी देखिए ठीक है खंभे की चोटी पर क्या बन रहा है समकोण बना रहा है 10 मीटर ऊंचे मीनार खंभे की चोटी पर क्या बन रहा है समकोण बना रहा है खंभा ही हो गया ये क्या हो गया मीनार हो गया
ठीक है, तो चोटी पा जाएगा, तो चोटी यहाँ खबर के चोटी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या समकोण बना रहा है, इधर इधर से ये समकोण बन जाएगा, देखिए समकोण बन रहा है दोनों, तो यहाँ पे मिल जाएगा ए बी सी डी ई, यानी अगर ये ठीठा बना रहा तो ये भी ठीठा, ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, उल्टा इस समकोण का उल्टा हो जाएगा ना। तो निकालना है क्या, निकालना है मीनार की ऊंचाई, बस ये मीनार की ऊंचाई को निकालना है, तो बस वही निकाल दीजिए मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो पहले चल जाएंगे क्या डी बी सी में चलते हैं, और दे दिया बीच की दूरी, दे दिया था 20 मीटर, समझे, एक छूट गया था कि हाँ कि यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर है, यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या है 20 मीटर, ये 20 तो ये भी 20, तो चलेंगे ए डी ई में, निकाला पूरा ये, और खंभा दे दिया है 10 मीटर ऊंचे मीनार पूरा, ठीक है, तो ये 10 तो ये भी 10 ना, ये 10 मीटर खंभा है तो ये भी 10 मीटर, और मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई पूरा ए से लेके पूरा भी 10, तो पहले चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में 10 नहीं उल्टा कर दिया, तो देखिए कोट लेके चले, कोट 90 माइनस थीटा, कहा कि 90 माइनस थीटा दिया है, तो 10 के उल्टा कोट होता है ना, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा लिखा हो जाएगा ना, तो उलट देंगे डी बटा ए डी, डी बटा ए डी, तो कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, डी का मान 20, ए डी कुछ नहीं ए डी, ठीक है, तो टेन थीटा तो हुई गया, सेकंड इसको एक ले लेंगे, और इसमें और कुछ था 40, एक मिनट हो जाइए 20, तो एक मिनट देख लेते इसको हम, उसके बाद मेरा ये सेकंड एक बार एक निकल गया, अब चलेंगे पूरा प्रश्न से बी सी डी में, तो त्रिभुज बी सी ई में, तो बी सी चले 10 थीटा लगे चलेंगे, लंब बटा था तो लंब का काम मेरा ई सी, आधार का काम बी सी, यहाँ देखिए 10 थीटा, तो 10 थीटा की जगह 10 थीटा बराबर ई सी, ई सी का मान कितना 10, बी सी का मान 20, अब देखिए यहाँ 10 थीटा का मान यहाँ देखिए निकाले थे, तो 10 लिख सकते बी सी बटा ए डी, यहाँ लिख सकते बी सी बटा ए डी, तो 10 × 20 एक बटा 2 गुना कर दीजिए, तो ए डी का मान क्या आ जाएगा 20 × 40, अब ए डी मेरा क्या आ गया 40, तो निकालना था कुछ पूरा ये भी निकालना था मीनार की ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई पूरा ए डी, ए से लेके डी तक, तो ए से लेके डी का क्या है दोनों की जोड़ दीजिए, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ए डी का मान क्या है 40 + 10 क्या है 50 मीटर पूरा मेरा मीनार की क्या है मीनार की ऊंचाई है, समझे। उसके बाद देखिए आज का लास्ट सवाल 30 नंबर बोला गया कि एक घर के दूसरी ओर अपने सामने, तो पहले एक बार घर बनाइए, तो जानते हैं कि घर बनेगा क्या लंबाई बनेगा घर, ठीक है, तो जमीन पर रहेगा ये बना क्या है घर, ठीक है। अब बोला क्या कि एक घर सड़क की दूसरी ओर, घर तो सड़क तो नीचे बनेगा, ठीक है, सड़क हो गया नीचे, और बोल दे दूसरी ओर अपने सामने, तो ये अपने घर के सामने दूसरी ओर इधर एक स्तंभ की सीट, तो यहाँ स्तंभ बना दीजिए क्या स्तंभ, अब बोला शीर्ष ऊपर होगा, शीर्ष के सिर पर समकोण बना दीजिए, जो इसके पहले बनाया था ना उसी तरह से हो गया, तो ये इधर बनाएगा तो ये भी इधर बनेगा, ये समकोण बना दिया, समझे। वो सरल रेखा जो स्तंभ को घर के शीर्ष से मिलाती है, देखिए वो सरल रेखा जो घर के स्तंभ से शीर्ष से मिलाती है, तो मिला दिया ये नीचे जहाँ से मिला दिया, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का, ये जो कोण बन रहा है ना 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई, जो सड़क है ये इसकी चौड़ाई दे दिया है 45 मीटर, तो घर की ऊंचाई निकालना, देखिए नाम दे दीजिए ए, नाम इसको दे दीजिए ए बी सी डी और ई, ठीक है, ए बी सी डी और ई, या डी इधर भी कर सकते हैं ना, जैसे डी ई ए बी सी डी और ई, तो हमको निकालना है क्या
ये ए भी पूरा निकालना घर की ऊंचाई पूरा ए भी निकालना पूरा, समझ रहे हैं ना? मैं क्या निकालना है, ए भी निकालना है। तो ए भी निकालने के लिए पहले हमको ए ही निकालना होगा, उसके बाद बी निकालना होगा, ठीक है? अगर ये बराबर हो जाएगा इसका, ये बराबर हो जाएगा इसका, यानी ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा मेरा। अगर इसका मान निकालता है 5 तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरा निकालना है क्या, पूरा ए भी निकालना है। तो ए भी निकालने के लिए ए ही और बी निकालना होगा, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये मेरा 60 पूरा सब बनवा दिया, तो ये मेरा 30, तो ये भी 30, 30 30 हो जाएगा, सब रह जाएगा। अब चलिए चलेंगे त्रिभुज ए डी में, चलिए नहीं तो बी सी डी में चलिए, ठीक है? तो पहले छोटा वाला चलते हैं, त्रिभुज बी सी डी में लिख देंगे यहाँ पे कि घर की ऊंचाई यानी ए बी निकाले, और जहाँ यहाँ पे लिख देंगे कि सी डी बराबर, सी डी क्या है, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ऊंचाई है। तो चलेंगे प्रश्न से, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में 33 डिग्री लंब, लंब का काम क्या करेगा, लंब का काम स्तंभ सी डी आधार बी सी, तो 33 का मान हमारे पास जोड़ थ्री इधर ले चल दिए, इधर चलिए 33 का मान क्या होता है हमारे पास रूट थ्री, और सी डी, सी डी का मान दिया है नहीं दिया है, और बी सी, बी सी का मान दिया है 45, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट थ्री सी डी बराबर 45, तो सी डी बराबर 45 बटा रूट थ्री 15√3, सी डी का मान क्या आ जाएगा 15√3, यानी अगर ये आ गया 15√3 तो ये भी तो आ जाएगा 15√3, बोले तो फिर किसका मान जो निकलेगा इसके बराबर होगा, तो यह देंगे कि जहाँ सी डी बराबर क्या बी, यहाँ बी, बी बराबर क्या सी डी, समझ रहे हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मेरा समीकरण ये एक आ गया। अब चलेंगे त्रिभुज ए ई डी में पुनः प्रश्न से त्रिभुज ए ई डी में, यहाँ त्रिभुज ए ई डी में टेन कितना देखिए 60 डिग्री, 10 60 लंब ए है ना, आधार का काम डी या ई डी, 10 60 का मान रूट थ्री ए, तो ए का मान कुछ दिया हुआ नहीं निकालना है। अब डी देखिए डी 45 गुना कर देंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 45√3, समीकरण दो, समझ रहे हैं 45√3 समीकरण दो, यानी ये देखिए ये भी मेरा आ गया 45√3। तो हम बोले थे ना कि पूरा निकालना था घर की ऊंचाई ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक हम बोले थे कि पहले ए ही निकालना होगा फिर बी निकालना होगा, तो देखिए ए बी का बना गया, तो ए से बी तक निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, है ना? जैसे कि हमको जाना है यहाँ से खुशबू जाना, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ से खुशबू जाने के लिए पहले बैकटपुर पड़ता है 2 किलोमीटर, उसके बाद खुशबू पड़ता है 3 किलोमीटर, ठीक है, और जाना हमको यहाँ से लेके घुसुपुर, तो बैकटपुर 2 किलोमीटर प्लस खुशबूपुर 3 किलोमीटर जोड़ेंगे तब ना, तो देखिए ए से लेके बी तक में दोनों को जोड़ देंगे, तो मेरा ए से लेके बी तक घर की ऊंचाई निकल जाएगा, लिख देंगे घर की ऊंचाई यानी ए डी, तो क्या हो जाएगा ए ही जोड़, ए ही जोड़ बी, ए ही कमा निकाले 15√3, बी का मान क्या 15√3, देखिए इसका मान 1.732, ये तो इसमें देखिए ना, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ले लीजिए इसमें 15 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 45, तो डायरेक्ट भर दीजिए ना यहाँ पे, देखिए ना कि 45 है ना, तो 45 गुना 1.732 प्लस 15 गुना 1.732, ठीक है, तो उसको हल करिए मेरा आ जाएगा आंसर, नहीं तो डायरेक्ट ये लगता है कि इसको जोड़ दिया है, देखिए यहाँ पे से कुछ नहीं 45 15 60√3, ये मेरा आंसर दे रहा है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे, जो मेरा आंसर देगा ना उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, समझे, ज़्यादा कुछ करना
नहीं होता है, जो मेरा आंसर है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मेरा आज का इतना ही सवाल रहेगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी आप लोग को बताया हूँ समझ में आई होगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले दिन मैं जो भी इसका बचा हुआ क्वेश्चन है मैं उसको बता दूंगा। और ये फिर हार्ड स्टेज ख़त्म हो जाएगा, तो त्रिकोणमिति में जितना था मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैथ का बोलन है ना, मीन इमीडिएट मोड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं कल इसको जो भी बचा हुआ उसको कल होगा तो परसों इसको इंड करूँगा। ओके, धन्यवाद।